मेहनत के बनाए सपनों का घर जब टूटता है तो उसका दर्द क्या होता है, वो कंगना की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। जिस दफ्तर को बनाने में कंगना ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाया, बीएमसी ने चंद मिनटों में उसे उजाड़ दिया। कंगना दफ्तर पहुंचकर जख्म के उन निशानों को महसूस कर रही थी जो महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें दिए हैं, लेकिन कंगना इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में नहीं है। कंगना के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे हैं। कंगना अब बीएमसी से हर्जाना वसूलने की तैयारी कर रही है। फिर भी रफली जो मैं आपको फिगर बताया उसके मैं डैमेजेस के लिए क्लेम करूंगा, और वही नहीं आईपीसी के सेक्शंस 166 को भी मैं इन्वोक करूंगा, गवर्नमेंट से मांगूंगा परमिशन और क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि उनकी हरकत शुरू से ही गलत रही है। वो घर में जब घुसे थे वो भी ट्रेसपास की हरकत थी, किसी को धमकी दे के ऐसे घर में घुस नहीं सकते, आपको बाकायदा एक इंस्पेक्शन का नोटिस देना चाहिए था। कंगना के दफ्तर में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करके कोर्ट को बताया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक तारीख टाल दी है। उधर कंगना की मां आशा रनौत भी अपनी बेटी के साथ डटकर खड़ी हुई। आशा रनौत ने अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया। इस बीच सपोर्ट के बाद कंगना भी थोड़ा भावुक हो गई। उधर कंगना का खुलकर समर्थन कर रहे रामदास आठवले भी पंगा गर्ल से मिलने उसके घर पहुंचे, जहां करीब एक घंटा बातचीत का दौर चला। आठवले ने कंगना को सुरक्षा देने का भरोसा दिया, वहीं राजनीति में शामिल होने का भी ऑफर दिया, लेकिन कंगना ने राजनीति में शामिल न होने की इच्छा जताई। कंगना के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। कंगना के महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध ताबड़तोड़ ट्वीट जारी है। जिस विचारधारा का बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। इधर कंगना बयानों के बाण चला रही हैं, तो उधर कंगना के दफ्तर के बाद उनके घर पर भी बीएमसी का बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। अगला जो अटेंशन रहेगा, अगला जो फोकस होगा वो यही होगा, पांचवें माले पर खार के इसी बिल्डिंग में कंगना रनावत का घर है। बीएमसी का कहना है अब वो यहां पर हथौड़ा चलाएगी। सिटी सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई है और कहा गया है कि कंगना रनावत के पास जो सस्पेंशन नोटिस था उसको रिवोक कर दिया जाए और बीएमसी को यह अधिकार दिया जाए कि यहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है उसको वो धराशाही करेगा, यानी बीएमसी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। कहने में गुरेज नहीं कि शिवसेना ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवाकर अपने लिए विवादों का पहाड़ खड़ा कर लिया है, लेकिन पूरी लड़ाई के सूत्रधार अब सवालों से बच रहे हैं। ये हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात करें। शिवसेना कंगना के खिलाफ खुलकर युद्ध की घोषणा कर चुकी है। कंगना रनौत के खिलाफ विक्रोली थाने में उद्धव ठाकरे के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, मगर कंगना का अंदाज बताता है कि फिलहाल उन्हें अंजाम की परवाह नहीं है। मौसमी सिंह और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।